शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। उरूज तशरीफ लाए हैं, बहुत सारी तालियां उरूज के लिए, एंड बहुत सारी तालियां आयशा बिलाल के लिए। आयशा बिलाल भी तशरीफ ला चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, आज क्या बात हो रही है? सबसे पहले तो ये बताइए रानी, आपा क्या सिखा रही हैं आज आप हमको? आज गर्मियों के जिन लोगों के सर में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है और रोजा खोलते हुए दर्द की महसूस होती है, उनके लिए एक ऐसी ड्रिंक बनाना बता रही हूँ कि इंशाल्लाह अगर आज से ही वो इस पर अमल करेंगे तो जो दर्द है उनका भी सर दर्द से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, और इसके साथ ही इस मौसम में जो जिन लोगों को बुखार का प्रॉब्लम है उसकी बहुत ही मामूली और कैसे उनका आप ये बुखार दूसरा वाला माइक यूज कर लें, एक मिनट, दूसरा वाला मुझे माइक दीजिएगा, कोई ला के दे दीजिए, कोई एक माइक मुझे ला के दे दीजिए, कोई, हाँ आप दे दीजिए। वो आई थिंक अभी आपके माइक में सर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। लाइए जी, लाइए, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अब आप बता दीजिए इत्मीनान से क्या क्या करने वाली हैं। एक ऐसी ड्रिंक बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से वो लोग जो सर दर्द के मरीज हैं और रोजे में उनके इस सर दर्द की शिद्दत में बहुत ज्यादा ज्यादती आ जाती है और परेशान हो जाते हैं,
उन लोगों के लिए रोज़ा अफ्तार करने के लिए एक ऐसी ड्रिंक बनाना बता रही हूँ जिसका अल्लाह के फजल से ये ड्रिंक बनाकर ये मशरूब बनाकर जब वो रोज़ा अफ्तार करेंगे तो ना सिर्फ ये कि फौरी तौर पर उनके सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, बल्कि अगर 7-8 दिन तक मुसलसल इस मशरूब का रोज़ा खोलने में अफ्तार करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनका हमेशा के लिए सर दर्द ठीक हो जाएगा। उसके साथ एक बहुत छोटी सी रेमेडी बताऊँगी, जिन लोगों को आजकल गर्मी की वजह से बुखार हो जाता है, बहुत ज़्यादा नज़ला हो जाता है, तो वो इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ ये कि ये बुखार ख़त्म हो जाएगा बल्कि हड्डियों का जो दर्द है वो भी इस इलाज से ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही छोटी सी रेमेडी है जी। जी सलमा, क्या करेंगी हम? मैं आपको लिप बाम बनाना सिखा रही हूँ। ओके। और दूसरा वेट लॉस की रेमेडी है जो कि रमजान में वेट वैसे भी बढ़ जाता है बिकॉज इतने हम बहुत फ्राइड आइटम्स लेते हैं। हाँ। लेकिन ये है कि इस प्रोडक्ट के साथ आप जो मतलब सहर और अफ्तार में यूज करेंगे तो फ्रीक्वेंटली काफ़ी अच्छा आपको फर्क नजर आएगा, बड़ा आराम से वेट गिरता है और हेल्दी गिरेगा। ये okay. नहीं कि बहुत मतलब ऐसा नहीं होगा कि अचानक बहुत ज्यादा जल्दी अचानक गिरा और अचानक ही। यार आप लोगों को इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरियां दे रहे हैं, आप लोग तालियां नहीं बजा रहे, कितनी गलत बात है। अच्छा, और आज कुछ शदीद ज्यादा गर्मी भी कुछ शिद्दत से ज्यादा है, आई डोंट नो। जी उरूज, क्या करने वाले हैं आज? मैं आज बना रही हूँ मीठे समोसे खजूर के साथ, क्योंकि खजूर हम वैसे ही इफ्तार में खा। अभी आप वेट गिरने की बात कर रही थी ना, मीठे समोसे। मैं खुद हैरान हो गया कि एक तरफ हम लोग वेट गिरने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उरूज बना रही है मीठे समोसे। मीठे समोसे खजूर के साथ बनते हैं जी? ओके ओके। तो और अच्छा, ये मीठे समोसे खाने से वेट बढ़ता है? ऑफ कोर्स। फ्राइड होते हैं और उसके अंदर खजूरें शामिल होती हैं तो ऑब्वियसली मीठा होता है, वेट बढ़ता है। आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे महंगाई के बारे में। महंगाई के बारे में, और कितना महंगाई है वैसे इन दिनों? इन दिनों तो बेइंतहा है, और ख़ास तौर पर ये जो फलों वगैरह पे एकदम से जो रेट्स बढ़ गए हैं। हम एक मक्खी हमारा पीछा करते हुए पता नहीं कहाँ से आ गई है, बार बार सब जगह जा रही है। छोटे से एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं, ब्रेक के बाद जाइएगा कहीं नहीं। जब ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ टिकट्स देने की बात करते हैं, कुछ उम्रे के टिकट्स देते हैं। कितने टिकट्स चाहिए आप लोगों को बताओ ना, कितने चाहिए? अच्छा वैसे सच बता रहा हूँ, टोटली आज ये छठा सातवां रमजान है, टोटली डेड क्राउड, एकदम साइलेंट क्राउड। तो आज मैंने सोचा इनाम भी सबसे कम ही दूंगा, आज दूंगा ही नहीं क्योंकि शोर ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जब शोर नहीं करोगे तो इनाम भी नहीं मिलेगा, ऐसा सिंपल इज दैट। अब जो मर्जी कर लो। नहीं, छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग।